हमीरपुर जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है और इसके तहत ही जिला में हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोरोना मरीजों के साथ साथ टीबी की भी स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि कोरोना और टीबी के मरीजों की भी पहचान हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब कोरोना टेस्ट के साथ साथ टीबी बीमारी के लिए टेस्ट किए जाएंगे जिससे मरीजों की पहचान जल्द हो सकेगी। सीएम और डॉक्टर अर्चना सोनी के अनुसार जिला में टीमें गठित कर दी गई हैं और अभियान के तहत कोविड और टीबी के मरीजों की पहचान कर उपचार किया जाएगा। वहीं स्क्रीनिंग के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग के पास हर व्यक्ति का रोग से संबंधित डाटा भी उपलब्ध हो सकेगा। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि जिला में आगामी दिनों में अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। वहीं कोविड और टीबी मरीजों के अलग अलग सैंपल लिए जाएंगे ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि हिम सुरक्षा अभियान के तहत 27 दिसंबर तक जिला हमीरपुर में कर्मचारी घर घर जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ पहचान की जाएगी। अभियान में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आयुर्वेदिक विभाग के फार्मिस्ट घर घर जाकर रोगियों के टेस्ट करेंगे। कि जितनी भी हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हम अगर डेथ एनालिसिस लें तो उसमें ज़्यादातर जो हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं या 60 या 65 साल से ऊपर के लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं या जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, कोई कैंसर से पीड़ित है, ऐसे ऐसे जो जितनी भी डेथ्स हो रही हैं वो उन लोगों की ज़्यादा हो रही हैं। तो जस्ट टू कीप द कीप एन आई ऑन दिस कम्युनिटी, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम हमारे ज़िला में, जैसे हमारे पास टोटल 484,000 की पॉपुलेशन है, तो हमने एक कैंपेन मोड में सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है। उसमें हम डायबिटीज से, उसमें एक डाटा भी बन जाएगा हमारे पास, एल्डरली कितने लोग हैं, कोमॉर्बिड कितने हैं, और साथ साथ हम टीबी की स्क्रीनिंग भी करेंगे, क्योंकि टीबी और जो कोविड है, अब इसको, अब अगर हम ये कहें कि इट इज़ बाई डायरेक्शनल, कि ऐसा हो गया है, मतलब जिसको कोविड है उसका टीबी का भी टेस्ट करना है और जिसका टीबी है उसको कोविड के लिए भी टेस्ट करना है। तो हमने उस ढंग से इसको प्रिपेयर किया है, अपनी माइक्रो प्लानिंग हमारी रेडी हो गई है एंड टुमारो यानी कि 25 दिसंबर को हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 25 से लेकर 27 तक ये अभियान चलेगा और इसमें हम सारी पॉपुलेशन को, पहली बात तो यह कि पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे, उसके बाद हमें रैंडम सैंपलिंग करनी है सैंपल की, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कोई सिम्टोमेटिक है या एल्डर या कोमॉर्बिड ग्रुप में पड़ता है या हाई रिस्क ग्रुप में है या हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट है, कि जहाँ जहाँ हमारी हमें लगेगा कि हम इसको टेकअप कर लें तो हम उसी ढंग से टेकअप करेंगे और सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन करके जितने ज़्यादा सैंपल उठा, हमारा मेन उद्देश्य है सैंपलिंग को इंक्रीज करना। सीएमओ सोनी ने बताया कि कोरोना बीमारी से अभी तक हमीरपुर में ज्यादा मौतें वृद्ध लोगों की ही हुई हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि जिन लोगों को पहले से ही बीमारी है वे पूरी तरह से सतर्कता बरतें और कोरोना बचाव के पूरी एहतियात बरतें। उन्होंने बताया कि जिला में अभी तक 408 एक्टिव कोरोना के मामले हैं तो होम आइसोलेशन में 375 लोग हैं। कोविड का सवाल है तो हमारे पास अभी तक अगर मैं बोलूं तो 408 एक्टिव केसेस हैं, और क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में रख रहे हैं तो हमारे पास 375 जो हैं वो होम आइसोलेशन में लोग हैं इस वक्त, और जिनका 17 दिन का पीरियड पूरा हो जाता है वो डिस्चार्ज भी होते हैं। इस ढंग से ये प्रोसेस चला हुआ है। DCCC में हमारे पास 7 लोग हैं और DCHC में हमारे पास 22 लोग कल शाम तक थे। अगर डेथ्स की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आज सुबह भी मुझे एक इंटीमेशन मिली, नेरचौक में हमारी एक डेथ हुई है, तो कुल मिला के हमारी 20 डेथ्स हो गई हैं। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैक्सिमम डेथ्स जो हुई हैं वो उन लोगों की हुई हैं जिनकी एज ज़्यादा है या कोमॉर्बिड हैं। आज जो व्यक्ति जो हमारे साथ नहीं रहे, उनकी आयु 84 ईयर्स थी और उनको जैसे ब्लड प्रेशर था, किडनी प्रॉब्लम थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उनको। तो मेरा एक और भी सुझाव रहेगा कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है,
कृपया वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, ताकि अगर खुद को नियंत्रण रखेंगे, खुद किसी धाम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद सोशल फंक्शनिंग में नहीं जाएंगे, अपने घर तक कन्फाइंड रहेंगे, और अगर जाना भी है तो अगर कुछ जो हमारी बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनका प्रयोग करके जाएंगे, तो मैं समझती हूँ आप खुद को भी बचा सकेंगे और समाज को भी बचा सकेंगे।